ओम नमः शिवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार एकादशी तिथि सुबह 9:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन में 3 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, सुखी, अत्यंत धैर्य वाले और त्यागी होते हैं। ये ईमानदार, नम्र स्वभाव वाले, उदार हृदय वाले, बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों के प्रेमी और विश्वासपात्र होते हैं। व्यापारिक कार्यों में रुचि लेने वाले, धार्मिक संस्थाओं के सहयोगी और निरंतर उन्नतिशील मानसिकता के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज शाम 8:30 बजे तक सिंह राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि वाले जातकों को दोपहर तक कार्य क्षेत्र की अनुकूलता मन मुताबिक बनी रहेगी। नए लोगों से संपर्क होंगे और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आर्थिक लाभ व सहयोग मिलता रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय चिंता को बढ़ाने वाला होगा। योजनाएं बनती रहेंगी लेकिन काम करने की गति प्रभावित होगी। परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ने लगेगी और उत्साह में कमी संभावित है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। खान पान में सावधानी बरतें, पुरानी दिक्कतों की पुनरावृत्ति संभावित है। वृष राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र से मानसिक संतुष्टि मिलेगी और मन मुताबिक काम होते रहेंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह में वृद्धि होगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ संभावित है। योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी। कुछ रुके हुए काम भी संपन्न हो सकते हैं। बच्चों के भविष्य में आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुभ संदेश संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कुछ काम अधिकारियों के दिशा निर्देश में करने पड़ सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जातकों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में परिवारजनों और सहयोगियों की प्रेरणा बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और साझेदारी सफल रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्यतया से अच्छी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा और आर्थिक लाभ के वैकल्पिक मार्गों के सृजन की मानसिकता बनी रहेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। भाग्यवश नई योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं और लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। बच्चों के मामले में मानसिक दबाव महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। दोपहर के बाद आर्थिक लाभ की स्थिति और बढ़ सकती है। अपने अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं, लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसको आप लागू कर सकते हैं। मित्रों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए अनावश्यक धन खर्च और नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, मगर व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामले में यात्रा संभावित है। दोपहर के बाद का समय इच्छा शक्ति और उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। साझेदारी लाभदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है।
अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रयास जारी रखें और संतान संबंधी चिंता आज बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों को आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी और आय संबंधी नए विकल्प की मानसिकता बनी रहेगी। अपनी कार्य योजनाओं में सावधानी अपेक्षित है। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है, मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा। बिना वजह किसी से वाद विवाद बढ़ाना उचित नहीं होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की कार्य क्षेत्र के प्रति सक्रियता और नई कार्य योजनाओं के सृजन की मानसिकता बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है। नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और दिनचर्या में खान पान को संतुलित रखें। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा अधूरे पड़े कामों को निपटाने के प्रति केंद्रित रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मकर राशि वाले जातकों के मानसिक अंतर्द्वंद का दौर समाप्त होगा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। चंद्रमा के आठवें घर में चलने की वजह से मन में अनावश्यक चिंता और भयग्रस्तता संभावित है, मगर दोपहर बाद भाग्यवश रुके हुए काम संपन्न होने लगेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक पक्ष के विकास और साझेदारी के प्रति मानसिकता बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है, मगर व्यावसायिक अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल होगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए दोपहर से पहले का समय उचित होगा। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी और नकारात्मक विचारों के प्रति मानसिकता बनी रहेगी और आर्थिक लेन देन के प्रति सावधानी अपेक्षित है, मगर दोपहर बाद आर्थिक लाभ मिलने से मन में उत्साह और व्यावसायिक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। अधिक जोखिम वाले काम करना उचित नहीं होगा। नए व्यावसायिक रिश्तों और सरकारी कामकाज से लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय संघर्ष भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी और संबंधों में मधुरता बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।